कन्हैया जी की, ये देखिए कन्हैया जी मालिश हो रही है आपकी। तो ये कृष्ण जी की मालिश नारियल के तेल से कर रहे हैं, वैसे इत्र से भी कर सकते हैं, मैं सिलाई जो सीखने आती है और दीदी ने 3 फ्रॉक बनाई है। यहाँ सीखते सीखते ये जो बना रही है, पहले नंबर पे मेरून कलर की, दूसरे नंबर पे येलो कलर की। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है। अगर मैं व्रत पहले रखती थी लेकिन अब नहीं रखी हूँ, घर की पोछा वोछा सब कर लिया है, ये पूजन करके जा चुके हैं और अभी मेरा खाना जरूर नहीं बना है। बच्चों ने इडली बनाई थी, वो इडली खा ली है, और इडली बनाई थी वो लंच में लेके आए, क्योंकि उन्होंने इतनी बनवाई थी कि मम्मी मेरे को लंच में लेके जाना है। ठीक है, बन गई के ज़्यादा बना दी। और अभी फिलहाल मैं कर लेती हूँ घर का काम। मैंने काम अभी सिर्फ पोछा वोछा यही करा है, और अभी आ रहे हैं गणपति बप्पा। तो घर में साफ सफाई भी करना है, गणपति बप्पा जी आएंगे, विराजमान होंगे अपने घर में, सब जगह आएंगे और पूरी धूम हो जाएगी सब जगह। सिर्फ 3-4 दिन बचे हुए हैं, उसके पहले आ रहा है तीजा, वो व्रत में नहीं रखती। और गणपति बप्पा आएंगे फिर सबके घर में खुशी खुशी बहुत धूम धमाका रहता है। और अभी फिलहाल दीदी ने साफ सफाई करूँगी मैं 1 या 2 दिन में, तो वो भी करेंगे। और कल के जो कपड़े धोके डाले थे मैंने, पूरे डबल डबल तिबल तिबल धूप में इधर डाल दिए। धूप है नहीं है, जो कि सिर्फ हवा है, तो बदला बादल वाली धूप है, तो उसमें डाल दिए, जितने सूखेंगे सूख जाएंगे। और अब मैं बना लेती हूँ खाना, कद्दू की सब्जी, हरी मिर्ची से बघारूंगी और रोटियाँ बनाऊंगी। सिब्बों की रोने की आवाज़ आ रही थी कहते हैं, तो ठीक है मैं खाना बना के रेडी करती हूँ। बच्चे भी आ जाएंगे जब तक, अभी थोड़ा टाइम है उन्हें आने में। खाना बन चुका है, कद्दू की सब्जी, ये मसाले वाली रोटी खा लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। सब्जी, रोटी और ककड़ी खा लेते हैं खाना, और फिर देखते हैं क्या करते हैं। बच्चे आ रहे हैं, मुझे एक ब्लाउज सिलना है आज, ब्लाउज चल रहा है 3-4 दिन से, तो सिलाई भी ज़रूरी है, तो कर लेते हैं, एक का देना है मुझे। और बच्चे भी आ रहे हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा जब आप फुल ब्लॉग देखेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आ गए इधर, गर्मी की वजह से मैंने पंखा चला लिया, और ये वाला ब्लाउज सिल के कम्प्लीट करती हूँ। हमने सिलाई जो सीखने आती है और दीदी ने 3 फ्रॉक बनाई है। यहाँ सीखते सीखते ये जो बता रही है, पहले नंबर पे मेरून कलर की, दूसरे नंबर पे येलो कलर की, और तीसरे नंबर पे ब्लैक कलर की। ये देखिए कितनी सुंदर, सबसे सुंदर है, कितनी सुंदर लग रही है ब्लैक कलर की। इसमें बस पीको होना है, और ये वाली भी बहुत सुंदर लग रही है, देखिए सिर्फ साड़ी की है। येलो कलर की बहुत सुंदर है, और ये ब्लैक, ये देखिए अभी 1 महीना नहीं हुआ, इन्होंने 3 फ्रॉक बना ली है। फ्रॉक बना ली, कुर्ती बना ली, और क्या क्या बना ली, छोटी कुर्ती और एक बड़ी, दो छोटी फ्रॉक, एक एलाइन कुर्ता, और 3 बड़ी फ्रॉक बना चुकी हैं, अभी 1 महीने ही हुआ है। और इन्हें बहुत स्पीड में सीख लिया, क्योंकि इन्हें थोड़ी देर पहले आती थी हल्की सी, मगर है ना उन्होंने बहुत स्पीड में सीखा है, माइंड बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी लगी फ्रॉक इन्हें, अच्छी सी ली है, और फिनिशिंग आती जाएगी। लास्ट है ये हुक और ब्लाउज, आज अभी ये कम्प्लीट कर दिया मैंने, इतने सारे काम भी कर दिए, रात में दीदी आई थी उन्हें सिखा भी दिया जो आपको मैंने फ्रॉक बताई, और ये ब्लाउज भी मैंने कर दिया कंप्लीट। तो अब मैं जिसको देना थी, उन्हें टेंशन थी जल्दी से दे दें, तो मैं अभी इनको ब्लाउज दे देती हूँ। और मैं आपको भी बताती हूँ कि ये कैसा सिला है, ये ब्लाउज बन चुका है, कंप्लीट हो गया जो मैंने आपको कपड़ा बताया था, तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, दे देते हैं, ब्लाउज कंप्लीट करके दे दिया, और उन्होंने पहन भी दिया, अच्छा लग रहा। और रागनी दीदी आज मेरे यहाँ आके सीख गई, और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे 1 महीने हुआ, मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। उन्होंने खुद के पहनने के हिसाब से कुर्ती, 3 फ्रॉक और बच्चों के लिए फ्रॉक सिल दी, और आज भी 2-3 कपड़े काट के लेके गई हैं, और वो सिलना सीखेंगी। उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो ट्रेनिंग ले रही हैं, तो काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से सीख रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चाय। सूखने वाले थे कपड़े, वैसे तेज पानी आ गया तो मुझे वापस अंदर रखना पड़ा, तो थोड़े थोड़े बूंद बूंद हो गए थे, तो वापस मैंने यहाँ डाल दिए, अब सुबह उठा के रखेंगे। चाय बना लेते हैं, चाय सबके लिए बना लेते हैं।
और ऊपर आ चुके हैं और शाम हो चुकी है। लावण्या भगवान जी की सेवा कर रही हैं। तो ये कृष्ण जी की मालिश नारियल के तेल से कर रहे हैं, वैसे इत्र से भी कर सकते हैं मगर अभी नारियल तेल से कर रहे हैं। पहले मोहन जी की मालिश रोज रात को करना चाहिए, इनके मालिश करना चाहिए, हाथ पैर दबाना चाहिए, है ना? खुशबू आ रही है बहुत अच्छे से, हाथ को उसे गर्म करके और फिर मालिश करना चाहिए। कन्हैया जी की ये देखिए, कन्हैया जी मालिश हो रही है आपकी, तो उनके हाथ पे दबा देते हैं। कन्हैया जी की रोज मालिश करते हैं, करना चाहिए क्योंकि दिन भर वो बैठे रहते हैं, थक जाते हैं इस वजह से। तो हम कन्हैया जी मोहन जी की रोज मालिश कर रहे हैं और आप भी करा कीजिए जिनके यहाँ पर हैं। तो अभी फिलहाल आज का हम ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।